हरिओम ने आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर भारत समाचार से खास बातचीत करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि वृद्धाश्रम बंद हो जाए, कोई भी वृद्ध वृद्धाश्रम से ना आना पड़े, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि परिवार और समाज जिम्मेदारी निभाए। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है और हमारे साथ समाज कल्याण प्रमुख सचिव हरिओम जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आपने कई बिंदुओं पर बड़ा फोकस किया, उन्हें ग्राउंड पे कैसे उतारा जाए, उसके लिए क्या योजना? देखिए, ग्राउंड पे सबसे बड़ी जो हमारी स्कीम है वो तो ये है कि हर जिले में हमारे एक वृद्धाश्रम चल रहे हैं और उसकी देख रेख जो है हम जन सहयोग से ही करते हैं। कई सामाजिक संस्थाएँ हैं जो उनका संचालन करती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वृद्धजन कल्याण नीति है वो हमने घोषित कर रखी है, एक परिषद का गठन किया गया है, उसमें जो प्राइवेटली रन जो इस तरह के आश्रम है उनके लोगों को भी शामिल किया गया है, उनकी राय ली गई है, एक समिति है बड़ी माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में जो सभी निर्णय लेती है। एक वृद्धजन कल्याण निधि है जिसमें 5 करोड़ रुपए हैं, जो ऐसे वृद्धजन जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जो हमारे वृद्धाश्रम में आते हैं तो वहाँ तो सब कुछ निःशुल्क है, लेकिन उससे अलावा भी अगर कोई सहयोग करने की ज़रूरत है तो हम उनको सहयोग देंगे उससे। बाकी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो शिक्षा विभाग है उसमें वो तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो हमारे अपने विभाग की पॉलिसी है वो यही है कि सभी वृद्धजनों के प्रति जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो समाज कल्याण उनके देखभाल के लिए एक ऐसा पेरेंट विभाग की भूमिका में है जो किसी तरह की दिक्कत उन्हें नहीं होने देगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये समाज कल्याण के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी हैं, इन्हें साफ तौर पर कह रहे हैं कि वृद्धजनों के लिए पूरी तरीके से व्यवस्थाएं विभाग की संचालित हैं और उन्हें ग्राउंड पर कैसे उतारा जाए उस पर बेहतर ढंग से काम चल रहा है। कैमरा पर्सन अमित मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।